हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल स्पॉन्ज। जो मैं घर में स्पॉन्ज बनाती हूँ तो मैं प्रीमिक्स घर में जो बनता है वो मेरे घर का प्रीमिक्स है। तो जो बेकरी वाले केक बनाते हैं वो होममेड, मतलब कि मैं बनाती हूँ, खुद मैं क्लास देती हूँ, इसलिए मैं प्रीमिक्स खुद बनाती हूँ। तो प्रीमिक्स से बेकरी वाले केक बनाते हैं स्पॉन्ज। मैं वैसे आपको दिखाती हूँ कि प्रीमिक्स से आपका स्पॉन्ज कैसे बनेगा, जो सेम टू सेम होगा बेकरी वाला, मैं उससे आपको स्पॉन्ज बना के दिखाती हूँ। एकदम करेक्ट और एकदम क्लियर बनेगा आपका ये स्पॉन्ज। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा। पहले मैं आपको गैस पे बनाना सिखाऊंगी, इससे आप आसानी से घर पे कैसे बना सकते हैं आप कमेंट करिएगा। तो ये प्रीमिक्स मैं आपको बना के खुद एक वीडियो दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने क्या गैस पे मैं कढ़ाई में बनाऊंगी आपको स्पॉन्ज, एकदम क्लियर बनेगा। जो गैस की छोटी वाली बर्नर होती है ना, इस बर्नर पर मैं केक बनाकर आपको दिखाऊंगी। इसको उठाकर मैं देखूँ, इसे गैस को जलाएंगे और एकदम लो फ्लेम, लो करने की पूरी शुरू से ही गैस लो रहेगा। इस पर एक कढ़ाही रखेंगे, देखिए मैं दिखा रही हूँ, एक कढ़ाही रखेंगे, इसमें क्रीम, ये खाली रहेगी कढ़ाई, कढ़ाही खाली रहेगी। मैं इसमें ना तो रेते डालूँ यानी बालू, ना मैं नमक, मैं कुछ भी नहीं डालती। मैं ऐसी क्लास में सिखाती हूँ, सेम टू सेम मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कढ़ाही लिया, एक ऐसी स्टैंड लो और क्या करेंगे, इसे ऐसा ढक्कन रखेंगे कोई बर्तन जो कि पूरी बराबर हो, कहीं से इसकी हवा ना निकले, ऐसे बराबर। और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट क्लियर माने तो 10 से 12 मिनट हमें इसे खाली गर्म करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी स्पॉन्ज की बेटर। तो क्या करेंगे, जब तक ये गर्म हो रहा तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रीमिक्स से कैसे बेटर बनेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये है मेरी प्रीमिक्स, जो मैं अपने क्लास में प्रीमिक्स बनाना केक स्पॉन्ज का वो भी सिखाती हूँ। ये मेरी प्रीमिक्स खुद का घर का बना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारी चॉकलेट प्रीमिक्स। अब मैं इसे आपको स्पॉन्ज बनाती हूँ, मेरी इतनी क्लासें होती चाहे ऑर्डर जाती हूँ, इसी से बनाती हूँ स्पॉन्ज। और यही प्रीमिक्स आपको मार्केट में भी मिलता है, पर आप घर में बनाएंगे आपको 150 रुपये के जी पड़ेगा, और मार्केट में से लाएंगे आपको लगभग 250 रुपये से कम कोई प्रीमिक्स नहीं है। ये मेरी चॉकलेट है, इसकी रेट है 280 अभी चल रही है। मैं घर पे बनाई तो मेरे को पड़ा 150 रुपये के जी। अब मैं इससे आपको स्पॉन्ज बनाना सिखाती हूँ जो कि मार्केट में बना। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, मैं आपको हाफ के जी का बेस बना कर दिखाती हूँ, मतलब इस हिसाब से आप हाफ के जी का अगर ऑर्डर आएगा तो आइसिंग करने के बाद रेडी होगा ये स्पॉन्ज, रेडी होगा 250 ग्राम का, और आइसिंग करेंगे क्रीम से तो रेडी होगा टोटल 500 ग्राम। तो चलिए अब मैं क्या करूँ आपको बताती हूँ, कप से मेजरमेंट कर लूँ। ये है कप, ये मेरा 200 ml का कप है। देखिए अब क्या करना है, ऐसे लेना है, ऐसे बराबर ऐसे आपको लेना है प्रीमिक्स। ये है प्रीमिक्स, अब इसमें मैं एक बाउल में डालूंगी, इसे साइड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मात्र इसमें बस प्रीमिक्स, पानी और तेल, तीन चीज़ जाती है। ये हो गया मेरा एक कप प्रीमिक्स। बस इतना आप याद रखिएगा कि कितना भी आप प्रीमिक्स लेंगे ठीक उसके आधा आपको पानी लेना है। अब ये कितना है, एक कप मैंने लिया है प्रीमिक्स, अब इसमें जाएगा हाफ कप पानी। ये मैंने लिया है हाफ कप पानी, ये मेरा हाफ कप पानी है, मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे क्या करेंगे, एक ब्लेंडर लेंगे हाथ में, जो हैंड ब्लेंडर होता, अब इसे हल्के हाथों से इसे हमें मिलाना है, इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, इसे मत एक मिनट मच्छे से इसे फेंटना। कभी भी प्रीमिक्स या कोई भी चीज़ को आपको ब्लेंडर से मिलाना, एक ही राउंड में करना है, ये नहीं कि ऐसे और ऐसे नहीं, एक ही राउंड में करना है। और मैं इसे मिला ली ज़रा, देखिए इसे मिला ली। अब इसमें क्या गया, 1 कप प्रीमिक्स, हाफ कप पानी और 1 tbsp या घर में कोई बड़ी चम्मच उस चम्मच से 1 चम्मच तेल। घर में आपको तेल इसमें डालना है 1 tbsp। तेल अगर आपको लेना हो तो सनफ्लावर का लो, सोयाबीन का लो, पर मस्टर्ड का, मूंगफली का बिल्कुल केक में नहीं जाता है, इतना याद रखिएगा। यही तेल जाएगा, या तो सनफ्लावर जाएगा या तो मूंगफली का जाएगा। अब इसे फिर से अच्छे से मिला, ये तीन चीज़ बस गया, आपका चॉकलेट बेस यानी चॉकलेट स्पॉन्ज बन के रेडी होगी। ये जब रेडी होगी बन के तो ये हो जाएगी आपका 250 ग्राम का, और इस पर आइसिंग करेंगे हाफ के जी।
और ये बेकरी वाले सेम ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं हो पाता है, आपको ऑर्डर है फटक फटक ऐसे बने। सेम इसी तरीका से आपको वेनिला का मिलता है, आप मार्केट में कभी भी बेकरी के दुकान पर जाओ, बस चलिए देखिए मैंने इसे फेंट लिया, आपको याद रहे हाफ के जी है, कम से कम इसे एक मिनट जरूर फेंटना है आपको अच्छे से, एक मिनट मैंने फेंट के रेडी कर लिया और मैंने एक टीन ले लिया, हाफ के जी का केक का ऑर्डर है तब 6 इंच का टीन लेना, ये 6 इंच का टीन है उसमें मैं बना रही हूँ। और हाँ इसमें बटर लगाना या तेल लगाना और बटर पेपर लगाना मैंने अपने अगली वीडियो में बता दिया है, केक टूल्स की वीडियो है मेरी उस पर मैंने बता दिया है, उससे आप देख कर लगा लेना कैसे बटर पेपर लगा, मैंने बटर पेपर और तेल से ग्रीस कर ली। अब मैं इसमें डालती हूँ अपना बेटर, देखिए मैंने डाल दिया, अब कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, अगर हाफ के जी बनाना है ऐसे ही आप कहीं से भी जाके प्रीमिक्स खरीद लो, कहीं भी बेकरी के दुकान पर मिलेगा, और बस प्रीमिक्स लीजिए उठाइए जितना आपको बनाना, बस इतना याद रखना ठीक, उसके आधा पानी आपको लेना है, इससे क्या करेंगे देखिए, इसे देखिए हमें इसे ऐसे टैप करना है, इससे क्या है जो एयर बबल है ना वो निकल जाएगा, तक हमारा 10 मिनट हो गया है, मेरी कढ़ाई गर्म है मैं उसमें डालती हूँ, और उसमें डालने के बाद आपको याद रहे कम से कम 20 मिनट से पहले उसे चेक भी नहीं करना, मतलब खोलना भी नहीं है, बार बार आप खोलेंगे ना वो केक बैठ जाएगा, 20 मिनट से पहले आपको उसको खोल के देखना नहीं, 20 मिनट के बाद आपको चेक करना, टूथपेस्ट डालिए या तो एक नाइफ डालिए, अगर वो क्लीन निकले तो आपकी स्पॉन्ज रेडी है, नहीं तो 5-10 मिनट और बेक कर लीजिए। और एक बात याद रखिए कहीं भी आपकी गैस की फ्लेम तेज नहीं होगा, लो रहेगा शुरू से लेकर आखिरी तक ही लो रहेगा, और ये स्पॉन्ज बनने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ, तो मैं बेक करने को रखती हूँ कढ़ाई। चलिए ये मेरी कढ़ाई प्री हीट हो गई है, गर्म हो गई है, अब मैं इसको इसमें धीरे से छोड़ दूँ, अब डरिएगा नहीं, कोई बालू और कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं, अब एक बार ऐसे बनाइए, अब फिर इसको क्या करें मैं ढक दूँगी, और इसे 20 मिनट से घड़ी देख के 20 मिनट से पहले आप बिल्कुल चेक नहीं करिए, मैं आपको 20 मिनट के बाद ये बेक होने के बाद फिर आपको, ये देखिए मेरा स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया है, मेरे को लगभग 30 मिनट लगा था इसको बेक करने में, अब मैं इसे ठंडा करने के बाद, ये कभी भी मैं आपको बेस बेक करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर आने दो ठंडा हो जाए, फिर उसको डीमोल्ड करेंगे, अभी हम टीन में से नहीं निकालेंगे, गर्म गर्म है, फिर ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं इसे हल्के हल्के हाथों से नाइफ से पहले निकालती हूँ, फिर मैं इसे डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ, मेरे पूरी रूम टेम्परेचर पे हो गई थी, देखिए ये हमारी स्पॉन्ज बन के रेडी हो, देखिए मैं स्पॉन्ज कट करना अपने एक चैनल में या अपने चैनल पे एक वीडियो में डाल दी हूँ, आप आसानी से उसे देख सकते हैं कि स्पॉन्ज कैसे कट करते हैं, नहीं तो मैं आपको कट करके अभी दिखाती हूँ, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस हल्के हल्के हाथों से ऐसे देखिए स्पॉन्ज कट करना है, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी स्पॉन्ज कितनी अच्छी बन के रेडी हुई, जाली वाली देखिए इतनी अच्छी बन के हमारी स्पॉन्ज रेडी हो गई है, वो भी कड़ाही में, अगर आपको इसकी प्रीमिक्स सीखना है तो आप कमेंट करें मैं जरूर सिखाऊँ, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो।